के हमीरपुर जिले में आज पुलिस ने एक सनसनीखेज ऑनर किलिंग के मामले का खुलासा कर सबको सकते में डाल दिया है, जहां चार दिन पहले एक 16 वर्षीय लड़की की आत्महत्या का मामला पीएम रिपोर्ट के बाद हत्या में बदल गया और पुलिस ने लड़की के पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दरअसल यह हत्या लड़की के पिता ने गाँव के ही एक युवक से अवैध संबंधों के चलते की थी, फिर पूरे मामले को आत्महत्या में तब्दील कर पुलिस को गुमराह कर रहा था। कहते हैं कि ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन इस आग के दरिया में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी गांव में रहने वाली 16 वर्षीय कक्षा 9 की छात्रा कविता के साथ, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, कविता को अपने ही गांव में रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया था। वो समाज और परिवार के बंदिशों को ताक पर रखकर चोरी छिपे युवक से मुलाकात भी करने लगी थी, लेकिन 6 नवंबर को कविता के पिता ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। फिर क्या था, बौखलाए पिता ने गला दबाकर कविता की बेदर्दी से हत्या कर दी। कविता चीखती रही, चिल्लाती रही, दया की गुहार लगाती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे में शांत हो गई। इस वारदात को अंजाम देकर पिता ने कविता को फांसी में लटका दिया और पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया। मृतक कविता का पिता का नाम नारायण दास सिंह मजदूरी और खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पिता के घर से बाहर रहने के चलते उसकी बेटी कविता का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध बन गया। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उसने बेटी को डांट फटकार लगाकर प्रेम संबंध खत्म करने का प्रेशर बनाया, लेकिन तब भी बेटी नहीं मानी तो उसने उसकी ही गला दबाकर हत्या कर डाली और पूरी घटना को आत्महत्या के रूप देते हुए खुद पुलिस के पास पहुंचकर बेटी की हत्या पर फांसी कर लटकते हुए लड़की के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा दिया। लड़की के प्रेमी को फंसने के लिए नारायण दास ने खुद पुलिस के पास जाकर पूरी घटना को प्रेमी द्वारा किए जाने का संदेह जताकर पुलिस पर प्रेमी को गिरफ्तार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पिता ही बेटी का कातिल निकला। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ऑनर किलिंग को रोकने के लिए लंबे समय से कड़े कानून की वकालत की जा रही है। आज आधुनिक समाज में जिस तरह से ऑनर किलिंग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उस पर अगर जल्द कड़ा कानून नहीं बनाया गया तो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि नारायण दास जैसे लोग को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जा सके और फिर किसी कविता को अपनी जान ना गंवानी पड़े। जो लड़की से मोबाइल से बात किया करती थी तो हमने उसका मोबाइल छीन लिया और छीनने के बाद उसे मोबाइल तोड़ दिया तो हमसे लिपट गई, तो मैंने गला दबा करके उसको पेस किया पीछे हटाने के लिए, हाथ को टाइट ज़्यादा हो गया तो मूर्छित होकर गिर गई। फिर उसको होश नहीं आया, पानी डाला मुँह में, पेट में पेस्ट किया, लेकिन वो कैसे वो सब अपने बचाव के लिए सब क्या किया था बचाव के लिए, बस यही जो उन्होंने बताया आपसे यही बात है बस। उन्होंने धनी में टांग करके और फिर उनसे पुलिस उतारी, उतारने के बाद उन्हें उसको पुलिस को सूचना दी कि उन्हें लड़की सुसाइड हो गई। ये कविता डॉटर ऑफ नारायण दास, उम्र 15 वर्ष है, कक्ष 9 में पढ़ती थी, बेरी गांव के रहने वाली है, थाना कुरारा पड़ता है। इनके पिता ने इनको काफ़ी बार समझाने की कोशिश किया, इसकी संबंध किसी गांव के ही लड़के के साथ था। गांव में ये बात फैल गई थी और इनको गांव वालों ने, मतलब इनका आशंका है कि गांव में इनके पीछे मजाक उड़ाया जा रहा है, इसी बात को लेके ये नाराज थे और अपने बेटी को समझाने की काफ़ी कोशिश किया था मगर बेटी मानी नहीं। और उस दिन जिस दिन घटना हुआ था, घर के आंगन में लेटने की जिद कर रही थी, इसी बात को गुस्सा करके इन्होंने गला दबा के इनका मर्डर किया है और बाद में सुसाइड दिखाकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया है। पीएम में कॉज ऑफ डेथ थ्रॉटलिंग आ गया जिससे पकड़े गए हैं। काफ़ी दिन से ये बाहर आंगन में ही लेटती थी जिससे कि उनके प्रेमी से मिल सकें, दीवार फांद करा के मिलता था। एक बार इनके बड़े भाई ने भी रात के अंधेरे में देखा कोई बंदा आया और खुद के बाहर भागा है, चोर समझ के इन लोगों ने हल्ला भी मचाया,
मगर इनके दिमाग में था कि कोई इनके इनके साथ संबंध बनाए हुआ है। तो इनके पिता थोड़ा मानसिक रूप से ये भी था, गुस्से करने वाला टाइप का भी था, इसका इलाज भी पहले चला है। तो उस दिन रात में सभी लोग बाहर लेटे हुए थे, यानी इनके भाई बाहर लेटा हुआ था, इनके पिता और जो मृतिका और इनकी छोटी बहन कमरे में लेटे हुए थे। तो उसी के दौरान पिताजी ने इनको मर्डर किया है ट्रॉटलिंग करके। ये वादी स्वयं बन गया तो फिर कैसे पुलिस के लिए चुनौती था, कैसे खोला इसको? पहले तो ये पोस्टमार्टम के बाद साफ हो गया था ये ट्रॉटलिंग है, गला दबा के हत्या किया गया है। उसके बाद पुलिस पहले ये समझ रहे कि ऐसा तो नहीं है कि बाहर कोई आदमी ने आके मार के इनको लटका दिया हो। बट नंबर एक चीज़ तो पुलिस जब मौके पर गई थी तब लाश लटका नहीं मिला है, लाश उतर के उसके घर पे लेटा हुआ रखा गया था उसी स्थिति पे, तो यही शंका था। और बाद में ये कंफर्म चारों तरफ से इनको घेर के पूछताछ किया गया था अलग अलग एंगल में, इतना हम लोगों इन्हीं के मुँह से निकलवाया कि चारों तरफ मतलब कोई और आदमी तो घर के अंदर आया नहीं उस दिन, तो ये लोग कंफर्म कर दिए थे कोई और बाहर के आदमी नहीं थे। तो फिर धीरे से इनके अलग अलग परिवार वालों से अलग अलग दिशा से पूछताछ किया है, तब इनके पिता को कॉर्नर किया गया है, क्योंकि इनके पिता ने इनके परिवार वालों को ही बताया नहीं कि मैंने गला दबाया है। मारने के बाद इन्होंने ये चिल्लाया कि बेहोश हो गई, तो जब परिवार वाले आए हैं तब ये नाटक इन लोगों ने किया है।